नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। देखिए, देश के तमाम जो युवा हैं फिर से दिल्ली के सड़कों पर आ चुके हैं, और ये जो युवा हैं ये आम युवा नहीं है। जी हाँ, सन 2019 सन 2022 के बीच जो है सेना में जो चयनित 1.5 लाख अभ्यर्थी जो थे वो तत्काल ज्वाइनिंग कराई जाए उनकी, इसलिए जो है लगातार दिल्ली के सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये पहली बार नहीं है जो दिल्ली के जंतर मंतर पे इतनी भारी संख्या में जो है छात्र यहाँ पे मौजूद है। उससे पहले भी जो है लगातार लोग यहाँ पर आते रहे, लगातार छात्र जो है यहाँ पर आते रहे। लेकिन देखिए मेरे पीछे जो है, जस्ट आप देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह का जो है पोस्टर लगा हुआ है, और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो इनका अधिकार जो इनसे छीना गया है वो इनको मिलना चाहिए। और ये छात्र कुछ ऐसे भी जो है जो बिहार से चल करके भी जो है पिछले बार जब प्रदर्शन हुआ था यहाँ पर तो पैदल भी चल करके आए थे, और इन लोगों ने वहाँ से भी जो है आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। कुछ छात्र मौजूद हैं, ये हौसला जो है कब तक टिका पाएंगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, कल से जो है मूसलाधार बारिश जो है पूरे दिल्ली NCR में हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये छात्र जो है डटे हुए हैं। देखिए, अभी भी जो है बारिश का हल्का हल्का मौसम है, लेकिन इसके बाद भी छात्र डटे हुए हैं। बातचीत करेंगे इनके हौसलों को लेकर के, आखिर ये कब तक लड़ाई जारी रहेगी। क्या नाम है सर? क्या नाम है? सर मनीष कुमार नाम है मेरा। मनीष कुमार जी, कहाँ से आए हैं? सर मैं रोहतक से आया हूँ। रोहतक से आए हैं, क्या समस्याएँ हैं आप लोगों की? सर 2020 से लेके 22 तक आर्मी और एयरफोर्स की भर्तियाँ थी। एयरफोर्स की भर्ती हुई जिसका एग्ज़ाम मार्च 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया। उसको बाद में नवंबर में शिफ्ट किया गया, नवंबर में उसका एग्ज़ाम लिया गया। जनवरी फरवरी तक हमारे फेज़ टू, जिसमें फिजिकल ग्रुप डिस्कशन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो हुआ, और मेडिकल हमारे मार्च के लास्ट तक कम्प्लीट हो गए थे। 31 मई को हमारी लिस्ट आ जाती है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। 31 मई कब? 31 मई 2021 को। 21 को, ठीक है सर। वो लिस्ट जारी कर दी जाती है, उसके एक महीने बाद एनरोलमेंट लिस्ट जारी होनी होती है जिसमें ज्वाइनिंग वाले बच्चों के नाम होते हैं। सर उस लिस्ट का जब टाइम आता है तो कोविड का बहाना देके हमें मना कर दिया जाता है कि अभी इसमें थोड़ा डिले है, अभी ये नहीं हो पाएगा। लेकिन सर उसी महीने 6,34,000 बच्चों का अगले एयरफोर्स इनटेक के लिए एग्ज़ाम ले लिया जाता है। उसके बाद सर हर महीने प्रशासनिक कारणों का हवाला देके इसे डिले किया जाता है, और 14 जून 2022 को अग्निपथ की जब घोषणा होती है तो इसे निरस्त कर दिया जाता है। सर इसमें एक चीज़ ये भी हुई कि जिस समय हमारे मेडिकल चल रहे थे उसी समय रैली भर्ती करवाई जाती है। जो स्टार इनटेक होता है, जिसके हम छात्र हैं, जिसकी ज्वाइनिंग बाकी है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, वो 7 से 8 महीने का होता है। लेकिन जो रैली इनटेक होता है वो 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर दिया जाता है। तो हमसे पहले वो रैली करवाई जाती है, हमारे बाद वो शुरू हुई थी, 2-3 महीने में उसको कंप्लीट करवा के ज्वाइन करवा दिया जाता है। और सर ये ज्वाइनिंग जिन बच्चों की होनी थी एयरफोर्स वालों की, उनकी कभी नहीं होती है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं एयरफोर्स की ज्वाइनिंग। एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। अब आपके मन में क्या कुछ चल रहा है सर? सर अभी हम काफी लंबे टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम राजनाथ सिंह जी से मिले थे जैसा फोटो में देख सकते हो। ये देखिए। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लगा रखे हैं यहाँ पे जो छात्र है। ये बैनर पे जो है सिर्फ मैं ऊपर की लाइन पढ़ रहा था, लेकिन जो है ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पर ये है कि ये जो छात्र हैं जो राजनाथ सिंह जी से मिले हुए थे, मतलब कुछ बातचीत हुई थी इनकी, और ये आश्वासन दिया गया था। ये क्या आश्वासन दिया गया था? आश्वासन ये दिया गया था कि आप लोग का एग्जाम जो भी पेंडिंग प्रक्रिया है वो सबको कंप्लीट करेंगे, और ये सब झांसा देकर हम लोग का बहलाकर जो भी हमारा जो आने वाला टाइम था, बोले कि इस डेट पे हो जाएगा, वो नहीं करवाए। हाँ अच्छा, अब आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे उस समय? मैं आर्मी के लिए, क्योंकि आर्मी मेरा देशभक्ति जुनून में है, खून में है, तो इसीलिए मैं आर्मी का ही तैयारी कर रहा था। देश की सेवा करने के लिए जो है छात्र तैयार हैं। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा दिया गया आश्वासन है कि आपके जल्दी आपकी भर्ती प्रक्रिया जो बाकी रह गई है वो पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, दिखाया जाए। तो और उन्होंने ये वादा करके ये मुकर रहे हैं, तो ये युवाओं के साथ धोखा है सर। हम इसी हमारे न्याय के लिए, हमें हमारी ज्वाइनिंग चाहिए आर्मी और एयरफोर्स की, वो हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं सर। उसी हक के लिए हम यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है। इतनी बारिश हो रही है, इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी लहर हवाओं की लहर चल रही है, लेकिन हम आए हैं, दूर दूर से आते हैं सर। घर वालों को भी इतना हैसियत नहीं है कि वो हमारा किराया दे पाए, लेकिन कैसे भी करके हमें देख के भेजते हैं कि बेटा आप जाओ, क्या पता आपकी सरकार सुनेगी। तो हमें यही उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले हमारे लिए कुछ अच्छा निकल के आएगा। हमने सब कुछ प्रक्रिया गवर्नमेंट ने जो ली है हमने पूरी कर ली है, लेकिन हमें हमारी ज्वाइनिंग चाहिए सर, यही आपसे उम्मीद है। क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? आप लोग तो पिछले बार भी आए थे, उससे पिछले बार भी आए थे, और आप लोग कई बार जो है प्रदर्शन करते रहे हैं, क्या कुछ सरकार से बातचीत बन पा रही है? जी सर, हम यही सोच रहे हैं कि क्या पता सरकार के कानों के पर्दे खुले हमारे लिए, और यही सोच लेके हम यहाँ पे आए हैं। हमने सोचा अब की बार नहीं, एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, हमारा तो हक होता है, हमें मांगना है, हमारे हक की मांगे मांग रहे हैं हम तो सर। यही हम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल सर। कहाँ से आए सर? नागौर से आया हूँ सर। नागौर से आए? मीरा की नगरी मेरता से आया हूँ सर। जी, और जो है आप
किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम आर्मी की तैयारी करते हैं। हमारा क्या है सर, ओनली एनसीसी के, एनसीसी भी हो रखा है हमारा, एनसीसी सी था मेरा, ज्वाइनिंग बाकी था ओनली, मैं हमारा एग्जाम नहीं होता है उसमें आर्मी में, तो हमारी ज्वाइनिंग ओनली बाकी है, उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे आए हैं सर। यही मांग है हमारी कि हमारी ज्वाइनिंग हमें दी जाए। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। आप बिहार से आए हैं, तो आप ही हैं वो क्या जो पैदल भी कुछ लोग आए थे, आप भी उनमें से हैं? हाँ। ये देखिए बड़ा जो है इंटरेस्टिंग चीजें हैं, 1100 मीटर पैदल चल, किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं हम लोग। बताइए, चंपारण से जो है पैदल दिल्ली आए हैं सिर्फ अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और लगातार आवाज उठाते रहे हैं। क्या नाम बताया भाई आपने? पंकज कुमार। पंकज कुमार जी, बताइए पैदल चल करके आए हैं और किस चीज की आप तैयारी कर रहे थे? आर्मी क्लर्क। आर्मी की तैयारी कर रहे थे, अब आपके मन में क्या कुछ चल रहा है पंकज जी? बिल्कुल सर, मेरा बस जो पेंडिंग भर्ती है वो मेरी पूरी हो जाए, बस सरकार से यही मांग। सर हमें, हाँ। आप पैदल आए, कुछ घर वालों ने बोला नहीं आपसे? बहुत परेशानी है सर, क्या बोले? कितना दिन लगभग लग गया आने में आपको? लग गया एक महीना, डेढ़ महीना क्या, एक डेढ़ महीना करीब लग गया। आप भी साथ में ही थे? साथ में थे। आप ये बिहार से ही हैं? बिहार से, चंपारण सत्याग्रह। कितने लोग आए थे लगभग? हम लोग आंदोलन शुरू किए थे तो 20 लोग थे, आते आते, और आए सिर्फ इसलिए कि इन सब छात्रों की जो है आवाज उठ सके, आवाज उठ सके। जी सर, कुछ मंत्री विधायक कुछ मंत्री मंत्री तक बात पहुंच पा रही है कि नहीं? हमारे नागौर से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हनुमान जी बेनीवाल, इन्होंने हमें जाके 5-10 लड़के गए थे हम कि सर हमारा ये है हाल सुनाया, तो बोला कि मैं आपकी बात संसद में उठाऊंगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं चल के राजनाथ सिंह जी से खुद से मिलूंगा, मुलाकात, पर्सनली मुलाकात की उनको, मतलब ये लेटर भी दिया, वो लेटर आपके मैंने बताया आपको, तो वो लेटर दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, और ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नागौर से सर, सांसद है। ये वो तस्वीर है जिसमें छात्र जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं, हनुमान जी बेनीवाल। हाँ, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इसमें जो है बेनीवाल साहब भी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राजनाथ सिंह जी भी है, और ये कुछ छात्र है हमारा ही लोकसभा क्षेत्र से आते हैं हनुमान जी बेनीवाल, तो इन्होंने हमारी मुद्दा उठाया था सर, जो राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो मिला सर। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं हरियाणा से हूँ, महेंद्रगढ़ से। चलिए सर, मैं आर्मी का कैंडिडेट। मतलब लगभग सारे ऑलमोस्ट राज्यों से जो है छात्र यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग सभी राज्यों से यहाँ पे छात्र आए हैं, जितने भी पीड़ित हैं सब यहीं पे आए हैं, जितना भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट एयरफोर्स ज्वाइनिंग के जितने भी छात्र हैं सब आए हैं, और सबको डिमोरलाइज किया गया है। हम लोग बार बार यहाँ पे आके भीख मांग रहे हैं, हमारा बात कहीं नहीं सुना जा रहा है, और जितना भी मीडिया है, सोशल मीडिया, आज तक, जी न्यूज, एक किसी ने भी अपना चैनल पे हम लोग का भी नहीं दिखाया, क्यों ना हम लोग रोड पे कहीं भी रहें, हम लोग तकरीबन 2-3 महीना से यहाँ पे अभी तक दिल्ली में घर नहीं गए, प्रण लेके आए कि अब जब तक नहीं ज्वाइनिंग मिलेगी तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। ताजुक सी बात है कि देश के युवा जो है, अच्छा कितने छात्रों के साथ ये सब हो रहा है? 1.5 लाख सर, 1.5 लाख। ठीक है, देखिए 1.5 लाख युवाओं के साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं, और पिछले कई महीनों से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से जो है कुछ लोग पैदल भी आ रहे हैं, लेकिन देश की जो मुख्य धारा की जो मीडिया है, चाहे टीवी, अखबार, कुछ भी मीडिया हो, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। एक बार कैमरे से गुजारिश करूँगा कि एक बार पूरा जो नज़ारा दिखाए, मतलब दूर दूर तक जो है कोई बड़ी मीडिया जो है नज़र नहीं आ रही है युवाओं का जो है आवाज़ उठाने के लिए। अच्छा, देश की बड़ी मीडिया जो है आ नहीं रही है सर, कैसे आवाज़ उठेगा आप लोगों का? सर सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या बाकी इसी के थ्रू हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं सर। इसे दबाने की कोशिश की जा रही है ऊपर से, हमारा मुद्दा जो जायज मांग है इसे दबाने का कोशिश चल रही है, और जितने भी मीडिया हैं बड़े मीडिया वाले वो कोई नहीं, किसी ने भी यहाँ पे नहीं आया है अभी तक, जितने लोग हम लोग धरना दिए यहाँ पे कोई बड़े मीडिया वाले यहाँ पे नहीं आए। हम लोग को कितने भी दुखी हो जाए या कहीं भी चल जाए, रोड पे हम तकरीबन 2-3 महीना से यहाँ पे हैं, दिल्ली में ऐसे ही भटक रहे हैं इधर उधर के, हमारा मांग पूरी हो जाए। और ताजुक सी बात यह है कि सारे सांसद मंत्रियों का घर तो आपके, मतलब जहां आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है, और फिर भी आवाज़ नहीं जा रही है, क्या वजह मानते हैं? सर कोई सांसद, जो भी सांसद जिनसे हम मिले हैं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सर इन भर्तियों को एक साजिश के तहत लंबित किया गया, क्योंकि ये बोला जाता है कि अग्निपथ योजना सेना द्वारा लाई गई है, लेकिन यदि सेना द्वारा ये जो स्कीम है ये 2 साल पहले फाइनलाइज कर दी गई थी, इसके ऊपर बात चल रही थी, तो 1.5 साल तक इनको डिले क्यों किया गया? आज भी हम ARO's में, ASC's में, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर और आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जो होते हैं वहाँ पे किसी फौजी से या किसी ऑफिसर से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हो, आज भी आपके डॉक्यूमेंट हमारे पास रखे हुए हैं। सर आर्मी में क्या किया गया था कि 2021 के बैच की भर्तियाँ थी जिसमें आर्मी GD, टेक्निकल क्लर्क और भी बहुत सारी पोस्ट थी, ट्रेड्समैन की पोस्ट थी, तो सर क्लर्क, ट्रेड्समैन और टेक्निकल को भर्ती कर लिया गया, लेकिन सोल्जर GD जिसके सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है उसको डिले किया गया, उसको 2022 के बैच के साथ लेने के लिए बोला गया बच्चों को, लेकिन सर 4 बार इनको एडमिट कार्ड दिए गए, एक दिन बुला के एडमिट कार्ड दिया जाता, अगले दिन निरस्त कर दिया जाता, कम से कम 10,000 बच्चे होते हैं जिनका एग्ज़ाम होना होता है, ये बच्चे जाते हैं एडमिट कार्ड लेते हैं, अगले दिन नोटिस आ जाता है कि आपकी भर्तियाँ कैंसिल की गई हैं। सर इसको लेके हमने 8 अप्रैल को जंतर मंतर पर धरना किया था जिसमें काफ़ी संख्या में बच्चे आए थे, 4 से 5 हज़ार बच्चे आए थे,
उसी समय हमारी मुलाकात माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से हुई थी, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि कुछ पॉलिसी चेंजेस चल रहे हैं, जैसे ये कंप्लीट हो जाते हैं हम आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। लेकिन सर अब हम उनके पास जाते हैं, जिस भी तरीके से उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। सर पहले तो हमें ये आश्वासन दिया गया कि कुछ कारणों की वजह से, पहले कोविड की वजह से, कोविड का तो एक बहाना था सर, उसमें चुनावी रैलियाँ हुई, यूपी में चुनाव हुए, जबरदस्त तरीके से चुनाव हुए, ठीक है, बंगाल में, ठीक है, आप लोग देश की सेवा करना जो चाह रहे हैं, जी जी बिल्कुल, क्या अब आप लोगों के मन में चल रहा है सर? मन में अब क्या चलेगा, हमारा आवाज़ उठाया नहीं जा रहा है, हम लोग ऐसे ही दर दर के ठोकरे खाते फिरते रहते हैं इधर उधर, कोई हमारा आवाज़ नहीं उठाने वाला है, बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल वाले हैं, कोई हम लोग को इधर कोई बाइट भी नहीं लेने आ रहे हैं कि ताकि हमारा जो भी लोग जाने इंडिया में, हम लोग इतने से पीड़ित हैं, हमारा कोई आवाज़ उठाने वाले यहाँ पे नहीं है, हम लोग बहुत यहाँ दिल से हम लोग टूटे हुए इंसान है, बस थोड़ा बहुत रूह में बस प्राण बचा हुआ है और कहीं लायक नहीं है हम लोग। घर से भी जॉब अपॉर्चुनिटी इतना है नहीं कि क्योंकि आर्मी में हम लोग टाइम दे दिए उतना, और आर्मी ने फिर हम लोग का बर्बाद, घर वाले ये नहीं कहते कभी कि बेटा बहुत हो गई लड़ाई, अब थोड़ा इस फील्ड को छोड़ के दूसरे फील्ड में जाना चाहिए, तो कभी आप लोगों के मन में ऐसा चलता है क्या? देशभक्ति सबसे पहले आती है, देशभक्ति, देश को सेवा करने के लिए हमारे फैमिली वाले भी मना नहीं करते हैं, बिल्कुल, हाँ अब आज तक बोले भी नहीं कि आ जाओ, बोले हैं कि जब आना जब जीत के ही आना यहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों को बताया जाता है कि ओवर एज भी हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, बेरोजगार ऐसे ही रहेंगे, अब नहीं मिलेगी तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारा हाथ में तो अब जितने भी सरकार, हम लोग सरकार तो है नहीं कि हम अपना जो भी साइन करके अपना एग्ज़ाम करवा ले सकते, बस एक अपना हक उठा सकते हैं मीडिया के थ्रू, हमारा सुना जा सकता है, इससे बड़ा क्या कह सकते हैं। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब जो सबसे युवा पीढ़ी होती है वो हम एक नींव होती है देश की, तो लेकिन ये समझ नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को मानते हैं, लेकिन उस चीज को उठाने के लिए नेशनल मीडिया सामने क्यों नहीं आ रहा है सर? जो देश का युवा है दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा है या जंतर मंतर पे बैठा है, लेकिन नेशनल मीडिया को 1% भी शुद्ध नहीं है। अगर हमारी शुद्ध नहीं ली गई तो सर 2024 के चुनाव के परिणाम भी आगे सामने आ रहे हैं, उससे पहले हमारी मांगे जो जायज मांगे वो पूरी नहीं की गई, तो सरकार को भी सोचने पर मजबूर किया जाएगा। ये युवा एक कम युवा नहीं है सर, ये हमारे देश की एक नींव है, और इसको आप अगर हिला रहे हो या ढहा रहे हो ये गलत बात है सर। इसी के लिए हमारी जो मांगे है, जायज मांगे, ज्वाइनिंग है हमारी, वो पूरी की जाए सर, यही रिक्वेस्ट है। तो देखिए ये युवा छात्र है जिनसे मैं बातचीत कर रहा था। अच्छा देखिए, इससे पिछली बार जब कुछ युवा आए थे, जब DS4 न्यूज़ की टीम ने जब कवर किया था इनके पूरे प्रदर्शन को, तो कुछ युवा छात्र जो है वो रोते हुए भी नज़र आए थे कि आखिर ऐसे हालात में हम करेंगे तो क्या करेंगे। घर से झूठ बोल करके आते हैं कि दोस्तों के साथ मिलने जा रहे हैं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो युवा जो है 1100 मतलब दूर किलोमीटर जो है आते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते हैं, घर वालों से झूठ बोल करके भी जो है इन लोगों को आना पड़ता है। देखना काफ़ी दिलचस्प ये होने वाला है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये छात्र जो है सब कुछ जो है अपना दांव पे लगाकर सरकार तक जो है अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, और यकीनन जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी से इनकी मुलाकात हुई है, लगातार जिस तरीके से मीडिया में जो खबरें चलती रही है, इसके बावजूद भी क्या इनकी हक की लड़ाई, क्या इनका जो मांग है वो सरकार मान भी पाएगी, ये आने वाले समय पे छोड़ देते हैं। फिलहाल इनका प्रदर्शन लगातार जारी है, आने वाले समय में सब कुछ तय हो जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते हैं DS4 न्यूज़, धन्यवाद।